आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं राहुल। विगत 10 दिनों तक सुबह शाम गणपति बप्पा की पूजा आरती करने में श्रद्धालुओं का मन घरों से लेकर पूजा पंडाल में लगा है। गणेश विसर्जन को शहर के अनेक हिस्सों में पंडाल के सामने हवन आरती कर गणेश मूर्तियों को लेकर उत्सव समितियां जयकारे लगाते हुए निकली है। आज बाबा घाट में बनाए गए विसर्जन कुंड में भगवान गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा है। इस दौरान नगर निगम का अमला, पुलिस प्रशासन सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मुस्तैद दिखाई दिए। ये महाराष्ट्रियन है और गणपति बप्पा वहाँ ज़्यादा मनाए जाते हैं, मतलब रखे जाते हैं सब अपने घर पे, इसलिए मैंने सोचा ये ज़्यादा बेस्ट है। रीवा शहर में गणपति बप्पा के सैकड़ों पंडाल लगाए गए थे। आज गणेश विसर्जन के दौरान विभिन्न पंडालों से गणेश भक्त नाचते गाते गणपति बप्पा मौर्य का नारा लगाते बाबा घाट विसर्जन के लिए पहुंचे हैं। रुका पता। आपको बता दें कि रीवा शहर में बाबा घाट के ही विसर्जन का केंद्र बनाया गया है, लेकिन कुछ भक्त अन्य घाटों का विसर्जन के लिए सहारा लेते हैं, जिसे लेकर पूरे शहर में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। विसर्जन के दौरान बाबा घाट में गणेश जी की छोटी प्रतिमा से लेकर बड़े पंडाल की प्रतिमाएं भी विसर्जित की जा रही हैं। नमस्कार गणपति बप्पा मोरिया। हमें गणेश चतुर्थी हम हर वर्ष अपने घर में मनाते हैं और अभी कोरोना चल रहा है तो इसको बहुत ही सीमित ढंग से हम इसको मना रहे हैं। और आपने पूछा कि आपने भगवान से क्या मांगा, इस समय हम क्या मांगेंगे, बस यही कि पूरे संसार से कोरोना चले जाए और पूरे विश्व में शांति रहे और हमारे सब कोई सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अच्छा रहे और हमारा पूरा जो परिवार है वो अच्छे से रहे। रीवा जिले में शहर के अंतर्गत 4 घाट चिन्हित किए गए हैं। उन 4 घाटों में होम गार्ड के SDRF, होम गार्ड में आपदा उपकरणों के सहित तैनात किए गए हैं। विश्वकर्मा घाट, पुष्पराज घाट, निपनिया घाट और ये आपका बिछिया घाट, इन चारों घाटों में हमारे तैराक रेस्क्यू पार्टी में उपकरणों के सहित संसाधनों के सहित अलर्ट मूड में तैयार रहते हैं। घाटों में किसी भी प्रकार की रेस्क्यू अगर दुर्घटना होती तो उसको तत्काल हम लोग बचाव कार्य करते हैं।